नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुसाफिर किस्सों वाला यानी विजित सिंह। हाजिर हूं अपनी नई कहानी के साथ तुम तक। इस कहानी को लिखा है हमारी टीम की सदस्य लकी राजीव ने। उस दिन माध्यम और आराध्या अपने उसी फेवरेट कैफे में ही बैठे थे जब आराध्या ने उससे कहा था, यार मेरा एक फ्रेंड है अविरल, वो जॉब स्विच करना चाहता है, आजकल दिल्ली आया हुआ है। मैंने कहा कि मेरी कंपनी में भी सीवी भेज दो, इसके अलावा दो तीन जगह और भी बताई हैं मैंने, तुम प्लीज़ अपनी कंपनी में भी फॉरवर्ड कर देना ना यार, मिलने बुलाया है उसको, आ ही रहा होगा। माध्यम इससे पहले कि कुछ और पूछ पाता, अविरल खुद ही आकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा गया था। हाय माध्यम, बहुत सुना है तुम्हारे बारे में। अविरल आते ही एक बड़ी सी स्माइल बिखेर गया था और साथ ही उसकी और आराध्या की दोस्ती की गहराई भी बता गया था। दोनों बात बात पर खिलखिलाकर हंस रहे थे। आधी बातें तो माध्यम को समझ ही नहीं आ रही थी, वो दोनों अपने स्कूल की बातें कर रहे होंगे या शायद अपने मोहल्ले की बातें। जो भी हो रही थी, माध्यम चाह कर भी अपने चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं ला पा रहा था। कुछ ज्यादा ही खुले नहीं थे वो दोनों आपस में। हर बात पर एक दूसरे के लिए कहना कि तुम तो हमेशा से ही ऐसे हो, या फिर अधिकार से टपट देना, तुम चुप रहो पहले मेरी बात सुनो। माध्यम के लिए एक घंटा बिताना मुश्किल हो गया था। मैं चलता हूं, मुझे थोड़ा काम है, तुम लोग बैठो। और हाँ अविरल, अपनी सीवी मुझे फॉरवर्ड कर देना। माध्यम भारी मन लिए वहां से उठ गया था। चलते हुए उसने एक नजर आराध्या की ओर देखा था। आराध्या ने एक बार माध्यम को देखकर बस बाय किया और फिर अविरल के साथ उसी तरह हंसी मजाक में लग गई। सिर्फ वो शाम ही नहीं, आने वाली कई शामें माध्यम का दिल उसी तरह दुखाती रही। एक दिन आराध्या का मैसेज आया, आज शाम को ऑफिस से सीधे छोले भटूरे वाले के यहां आ जाना, अविरल भी आ रहा है। माध्यम ने तुरंत काम का बहाना बनाकर साफ मना कर दिया। फिर दो दिन बाद आराध्या की कॉल आई। उसने चहकते हुए कहा, अविरल की जॉब लग गई है आज दिल्ली में, वो पार्टी दे रहा है, 7 बजे काकेदा ढाबा पहुंचो। माध्यम ने चिढ़कर कह दिया था, ऑफिस में काम का बहुत प्रेशर है, पार्टी के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। माध्यम समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर वो चाहता क्या है। आज आराध्या का एक और मैसेज आया, शाम को मिलते हैं 6 बजे अपने उसी वाले कैफे में, आज मना मत करना। मैसेज के आखिरी में इतनी बार प्लीज लिखा हुआ था कि उस मनुहार ने माध्यम को भावुक कर दिया। काश वो लिख पाता कि इतनी बार प्लीज नहीं बोलोगी तो भी आऊंगा ही। इतनी मनुहार के बाद शाम तक का इंतजार भी मुश्किल था माध्यम के लिए। जैसे ही कैफे पहुंचा, देखा टेबल पर अकेली बैठी आराध्या बेचैनी से इधर उधर देख रही थी। माध्यम को देखते ही खिल गई, पूरे 10 मिनट लेट हो, अकेले बैठे बैठे मैंने यहां के सारे गमले गिन डाले हैं, मुझे क्या पता कि अकेली होगी, मुझे लगा तुम्हारा दोस्त तो होगा ही साथ में, तुम दोनों साथ ही तो होते हो आजकल पूरे टाइम। माध्यम के स्वर में थोड़ी तलखी उतर आई थी। आराध्या के लिए उसके उखड़े मूड का कारण समझना आसान हो गया था। अविरल तुमको पसंद नहीं आया क्या? माध्यम जवाब देने के बजाय कहीं दूर देखता रहा। आराध्या ने थोड़ा आगे बढ़कर उसका हाथ थपथपा दिया, हेलो तुमसे ही पूछ रही हूं, अविरल पसंद नहीं आया क्या तुमको? मैं कौन होता हूं उसको पसंद या नापसंद करने वाला, तुमको अच्छा लगता है ना, तुम्हारा सबसे करीबी दोस्त है वो, तो बस बात खत्म हो गई।
आराध्या ने माध्यम का चेहरा ध्यान से देखा। ये था क्या, प्यार ही तो था जो माध्यम को इतना इनसिक्योर कर रहा था? लगाव ही तो था जो किसी तीसरे के बीच में आने से डर रहा था? आराध्या चुप थी। माध्यम को पूरी उम्मीद थी कि बात बिगड़ती जाएगी, लेकिन ये क्या। आराध्या मुस्कुरा रही थी, मुस्कुराते हुए ही बोली, अच्छा एक बात बताओ, दो लोग एक दूसरे से जुड़े तो इसकी शर्त ये तो नहीं होनी चाहिए ना कि वो सारे पुराने रिश्ते तोड़ कर ही जुड़े? माध्यम ने झट से जवाब दिया, मैंने ये कब कहा आराध्या, और सारे रिश्ते की बात तो मैं कर ही नहीं रहा। पता नहीं, बस अविरल को लेकर मैं। माध्यम कुछ कहते कहते रुक गया था, लेकिन आराध्या उसके मन की बात को अच्छी तरह समझ गई थी। एक बात बताओ माध्यम, अविरल की जगह मेरा भाई या फिर कोई दूर का रिश्तेदार होता, क्या तब भी तुमको इतना ही खराब लगता? सारे रिश्तों में एक रिश्ता मेरे फ्रेंड्स का भी तो है ना, तो फिर उनकी मदद करने से मैं क्यों पीछे हटूं? माध्यम ने बिना आराध्या से नजरें मिलाए कहा, मेरे जीवन की हर एक छोटी बड़ी खुशी, मेरा संघर्ष, मेरी उपलब्धियां, सब कुछ सिर्फ तुम तक ही सीमित है आराध्या। मैंने कभी ये नहीं चाहा कि तुम्हारा पूरा समय मेरा हो, लेकिन ये भी तो नहीं बर्दाश्त कर सकता ना कि कोई अचानक से यूं ही आकर मेरे ही समय में सेंध लगा ले। अविरल के साथ तुम्हारा वक्त बिताना मुझे उतना परेशान नहीं किया जितना उसके साथ रहते वक्त तुम्हारे द्वारा मेरे उदास चेहरे को ना पढ़ पाने की कसक ने किया है। आराध्या की आंखों में आंसू थे, उसने भरे गले से कहा, मेरी दुनिया भी तुम तक ही सीमित है माध्यम, और इस बात का मुझे हर पल गर्व होता है। मेरी इस खूबसूरत दुनिया की आज एक यादगार तारीख है जिसे शायद नाराजगी में तुम भूल गए हो। माध्यम ने आश्चर्य से आराध्या को देखा और उसे एकदम से याद आया कि आज से ठीक एक साल पहले इसी जगह और इसी तारीख को उसने आराध्या को पहली बार प्रपोज किया था। माध्यम इस विशेष दिन को भूलने के कारण सभी के सामने कान पकड़कर लगातार सॉरी कह रहा था। आराध्या झट से उसका हाथ कान से हटाकर अपनी हथेली में भर ली। दोनों बेपरवाह हंस रहे थे और आसमान सिंदूरी होने लगा था। मुसाफिर किस्सों वाला की आज की पोटली यहीं खाली होती है। जल्द ही मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए विजित सिंह यानी मुसाफिर किस्सों वाला का विदा।